अब उधर चलो, नॉट हियर, दैट साइड, दैट 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 साइड। विच में वो बात भी कर रही है, हाँ, जो उनकी लैंग्वेज है ना, पट्टी 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 पता नहीं क्या किया। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज दीपिका एंड आई अपलोड हियर एवरी ऑल्टरनेट डे अबाउट होम मेकिंग, मॉमीज लाइफस्टाइल। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है एक फूड ब्लॉग, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ईजी सा गेस्ट मेन्यू, जिसको आप फटाफट तैयार कर सकते हैं और अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स और साथ ही क्या क्या प्रिपरेशन मैं गेस्ट के आने से पहले करती हूँ वो सब कुछ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो लगभग 2:30 बजे के करीब पहुँच जाएंगे और वो डिनर करेंगे, लंच नहीं करेंगे। तो मेरे पास टाइम तो काफ़ी था, बट आई ऑलवेज प्रेफर के गेस्ट के आने से पहले मेरा किचन का जो मेजर काम है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि गेस्ट आएँ और फिर मैं किचन में लगी रहूँ, मैं उनको टाइम ही ना दे पाऊँ। तो हमेशा यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने गेस्ट के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि आजकल के बिजी स्केड्यूल में टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान बहुत मुश्किल से निकाल पाता है। और अगर कोई आपके लिए टाइम निकाल के आपके घर आ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा इस चीज़ की बहुत कदर करती हूँ और किचन का काम पहले ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि आज टाइम विंडो काफ़ी ज़्यादा थी, बट स्टिल मैं खाना जो है वो लंच तक प्रिपेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे कुछ तैयारियाँ मैंने पहले से की हुई हैं और वो भी साथ साथ शेयर ही करती रहूँगी। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट भी बना के दे रही हूँ अद्वी को, तो साथ साथ वो काम भी चल रहा है और ईवी के ऊपर भी नज़र रखनी ही है। तो आपने देखा है कि कढ़ाई मैंने यहाँ पर चढ़ा रखी है और यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी पकोड़ा भी मेन्यू में आज एक डिश है, वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करी थी तो उसमें कुछ सवाल आ गए थे। देन आई थॉट कि चलिए आज उनको मैं कवर कर देती हूँ, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने और उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया था और पकौड़े मैंने यहाँ पर फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। पकोड़ों का जो बैटर है, नॉर्मल वही बेसन लेना है, उसमें पानी डालना है, रूटीन के मसाले, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के थिक सा बैटर बना के और मैंने फ्राई कर लिया है। कुछ ऐसा नहीं कि इसको आपको रखे रहने देना है, नथिंग लाइक दैट। बस इतनी देर में तेल गर्म होगा, उतनी ही देर में जो है वो बैटर भी आपका अच्छे से फूल जाएगा। तो बस एक ही बार में पकौड़े जो हैं वो सारे के सारे फ्राई हो गए हैं और बाकी की जो तैयारियाँ हैं वो रेसिपी के साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो जब भी गेस्ट आते तो हमेशा मैं पहले लिख के रख लेती हूँ सारी चीज़ें कि मुझे क्या क्या बनाना है और उसकी क्या तैयारी मैं पहले से कर सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब हम अपनी सबसे पहली सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो वॉक चढ़ाई है मैंने और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, हींग मैंने ऐड किया है और इसके बाद हम इसके अंदर पंचफोरन मसाला ऐड कर देंगे। इसको अचारी मसाला भी बोलते हैं। इसके अंदर मेथी, कलौंजी, सौंफ, जीरा और एक चीज़ मेथी शायद मैंने पहले भी बोला है, तो 5 मसाले होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी डालने से एक तो रंग अच्छा आ जाता है और साथ ही जो चीज़ें हैं वो छटकती नहीं हैं, वो आराम से जो है वो फ्राई होती रहती हैं। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है शिमला मिर्च, रेड और ग्रीन थी मेरे पास। साथ ही मेरे पास पोटैटोस थे बॉइल्ड, ये मैंने पहले ही बॉइल करके रख ली थी और इनको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने तीनों एक साथ डाल दिए और इनको एक साथ ही मैं फ्राई करूँगी। इन केस आप फ्रेश पोटैटोस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप पोटैटोस फ्राई करें, लाइक उनके ऊपर हल्का सा क्रस्ट आ जाए और उसके बाद आप शिमला मिर्च ऐड करें। अगर साथ ही आप डाल देंगे तो जब तक आलू पकेंगे शिमला मिर्च का हलवा हो जाएगा। तो मैंने जो है वो बॉइल्ड पोटैटोस इसीलिए यूज़ करे हैं ताकि साथ साथ मैं इनकी कुकिंग कर लूँ और जल्दी से ये प्रोसेस हो जाए। सॉल्ट मैंने साथ के साथ ही ऐड कर दिया है ताकि ये सॉल्ट के साथ ही
भी पकते रहें और अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाए। अब इसको कवर करके हम 2-3 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे। तो अच्छे से तड़का यहाँ पे हो गया था, तो अब मैं इसको पीछे वाले चूल्हे पे मीडियम हीट करके रख दूंगी। और बड़ा वाला चूल्हा जो है, क्योंकि ये डायगोनली मुझे यहाँ पे छोटी कढ़ाई रखनी थी, तो इसीलिए बड़े चूल्हे के साथ फिर मैं छोटा चूल्हा ना जला पाती। कढ़ाइयाँ जो है ना फिर आपस में लगती हैं, तो वो फ्रीली आप कुकिंग नहीं कर पाते हैं। तो उसको मैंने पीछे वाले चूल्हे पे किया और इधर स्टील की कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें मैंने हींग ऐड करा है, साथ ही जीरा डाल दिया है। फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं। इसके बाद एक जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड करी है, आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, और ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, इससे जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और जो हमारी जिंजर गार्लिक है वो भी अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी। साथ ही मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दी है, और ये इतनी क्विक वाली सब्जी है ना कि बस पूछे ना। तो बस वहाँ पे उसको मसाले को हम पकने देते हैं जब तक कि जिंजर गार्लिक अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, और यहाँ पे एक बार जो हमारे अचारी शिमला मिर्च आलू हैं इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इनके ऊपर जो है वो बहुत ही अच्छा सा एक क्रस्ट आ गया, ये क्रस्टी से हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा और हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पे हिलाएंगे। और धनिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, तो मैंने लगभग 1.5 चम्मच के करीब डाला है। इसके बाद इसको अच्छे से हम यहाँ पे हिला देंगे। मीनवाइल जो है मैंने टमाटो प्योरे बना के तैयार कर ली थी, तो 2 टमाटर बिग साइज़ के थे मेरे पास और 1 हरी मिर्च मैंने ऐड करी थी, और बस उसकी प्योरे बना के वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब टमाटर गलने तक हमें इसको पकाना है। तो बहुत ही मॉइस्ट सी ये अचारी सब्जी तैयार होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये पूरी के साथ तो इतने मज़े देती है कि बस पूछे ना। तो इसको कवर करके मीडियम हीट पे मैंने छोड़ दिया है, और इधर जो हमारी जिंजर गार्लिक की क्यूब है ये भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और मसाला हमारा भुन गया है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कॉर्न और मटर। बेसिकली तो ये सब्जी बस इतनी ही होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि मेरे पास थोड़े से उबले हुए आलू और बच गए थे, तो मैंने सोचा कि वो डालूं, तो बच्चों को आलूओं की सब्जी जो है वो बहुत पसंद आती है। तो हाथों से तोड़ के जो है मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर आलू, और नमक डाल दिया है, साथ ही मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड करा है, उससे एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है। बट आलू जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये मटर कॉर्न की सब्जी है जो बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें ना टमाटर जाता है ना इसमें प्याज जाती है, बस हल्के से खट्टेपन के लिए बाद में इसमें हम चूर ऐड कर दें। बट मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ, तो आप जैसे चाहें वैसे इसको बना सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने पानी भी थोड़ा सा डाल दिया और इसको बस अब मैं अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूंगी। तो इस वाली सब्जी को 5-7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि स्लो हीट पे ये पकती रहेगी। यहाँ पे हमारी जो अचारी शिमला मिर्च आलू है वो ऑलमोस्ट डन हो गए, और इसको और ज़्यादा थोड़ा सा उम्फ देने के लिए अचारी गोश्त मसाला वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये स्टोर बोट है, मैंने घर पे नहीं बनाया है, यह मॉरिसन पे राजा ब्रांड का मिलता है, तो वो मैंने 1.5 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। हालाँकि ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐड करें, क्योंकि शुरुआत में हमने अचारी मसाला डाल ही दिया था, बस ये कि इससे और ज़्यादा अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। अगर ये ना हो आपके पास तो आप बस थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दें, दैट्स इट। और ये मसाला डाल के मैंने इसको बस रख छोड़ा है तो 2-1 मिनट के लिए, और यहाँ पे हमारी जो सब्जी है ये बिल्कुल डन हो जाती है। आप चाहें तो धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर सकते हैं, और मैंने इस टाइम पे नहीं डाला था क्योंकि मुझे शाम को ही सर्व करना है और शाम को ही मैं डालने वाली थी, बट शाम को मैं भूल गई कि मुझे इसके ऊपर धनिया डालना था। हालांकि मैं टेबल प्रेजेंटेशन आपको दिखा ही दूंगी, बट आप धनिया पत्ती जरूर डालें, बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी में। तो एक सब्जी जो है वो हमारी यहाँ पे डन हो गई है, तो उसको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे मैंने एक और अपना ग्रेनाइट स्टोनवेयर चढ़ाया है, और इसके अंदर अब मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी पकौड़ा। और हाँ, दूसरी तरफ हमारी वो सब्जी भी बन रही है, तो बीच बीच में उसको चलाना ना भूलें। आई डोंट नो कि आप सारी चीज़ें एक साथ बनाएंगे नहीं, बट हाँ मैं साथ साथ बना रही हूँ, तो हाँ मैं ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें हींग डाला है, साथ ही 1.5 चम्मच के करीब मैंने मेथी
मेथी दाना ऐड करा है। मेथी दाना हल्का सा ही भूनेंगे, उसके बाद सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। मैं बस एक ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आंटी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उनकी मदर भी आ रही है, कि वो ज़्यादा स्पाइस लेवल टॉलरेट कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। और बस इसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। तो प्याज को हम भुनने देते हैं, इधर ये वाली जो हमारी सब्जी है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जो है वो बॉयल आ गया है, लेकिन हल्की सी फ्रॉथ है इसके ऊपर, तो अभी हम इसको और अच्छे से उबालेंगे। और ये है सब्जी, अगर आपको याद हो मैंने कल ही बनाए थे आलू पालक, और थोड़े से आलू मैंने अलग निकाले थे जो दही की ग्रेवी में पके हुए थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, ये रात का ही था, वो फ्राइडे को था और ये सैटरडे मॉर्निंग में कुकिंग कर ही रही हूँ। तो इससे जो है ना कलर बहुत अच्छा आया क्योंकि पालक इसके अंदर मिक्स हो गया। तो बेसिकली ये सब्जी थी कुछ और एंड होते होते ये कुछ और बन गई, और ये इतनी टेस्टी बनी कि इट वॉज सुपर हिट, सबको ये बहुत पसंद आई। तो वो मिक्स करके और मैंने इसको फिर दोबारा से पकने के लिए छोड़ दिया है, बट दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल थिंग। और यहाँ पे जो हमारी प्याज है वो भी अच्छे से भुन गई है। प्याज को ज़्यादा डार्क ना करें, अगर ज़्यादा डार्क आप इसको भून देंगे, ब्राउन कर देंगे, तो कढ़ी का जो रंग है वो पीला नहीं आएगा, वो ब्राउनिश ब्लैकिश सा आएगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसमें सूखे मसाले, धनिया मिर्ची और हल्दी, साथ ही जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब, और दो घूंट पानी इसके अंदर डाल देंगे। लोकल भाषा का ये शब्द है, दो घूंट पानी, लगभग दो टेबलस्पून पानी आप डाल दें तो इससे मसाले नहीं जलेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही और बेसन का मिक्स। तो रेशो क्या है, मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 कप दही ली है और 4 कप पानी लिया है। बाकी दही के टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है कि दही जो है वो पतली है या थिक है। तो मेरी घर की जमी हुई दही थी तो काफ़ी थिक थी, तो मैंने इतना पानी लिया है, बट अगेन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी पानी डाल के ना कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये कि बाद में अगर ऐड करें तो उबला पानी, लाइक गर्म पानी आप यूज़ करें, अदरवाइज फिर एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होता है और फिर वो कढ़ी सही नहीं बनती है। तो उधर कढ़ी में जो है उबाल आने तक से चलाती रहूंगी। और यहाँ पे जो हमारी ये सब्जी है ये ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब इसमें क्योंकि प्याज टमाटर कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो हल्का सा खट्टापन फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, एंड इट इज कम्प्लीटली डन। और यस, अगर आपके पास इस तरह थोड़ी सी पालक प्योरे रखी हो ना तो आप वो ऐड कर सकते हैं, मैंने तो रात की थोड़ी सी वो ऐड कर दी थी, तो इट वॉज सुपर हिट। तो वो सब्जी भी हमारी डन हो गई और यहाँ पे कढ़ी जो है इसमें भी अच्छे से बॉयल आ गया है। साहब आ गए थे बीच में चलाने के लिए क्योंकि मैं दूसरे कामों में भी लगी थी और ईवी को भी बीच में देखना होता है। तो कढ़ी जो है वो मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी क्योंकि अभी इसको और 15-20 मिनट अच्छे से पकना था, तो मैंने इसके अंदर कैटल में पानी जो है वो गर्म कर लिया था, वो ऐड कर रहा है लगभग 1 कप के करीब, और साथ ही मैंने सॉल्ट डाल दिया है। तो सॉल्ट हमेशा आप तभी डालें जब कढ़ी के अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए, उससे जो है ना वो दही के फटने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि दही फटी फटी सी आपकी बनती है। तो यहाँ पे जो है अब एक और टिप, पिछली बार मैंने बताया था कि अमचूर पाउडर अगर आप कढ़ी में डालें तो बहुत अच्छा खट्टापन आता है। कुछ लोगों ने ऐड करा और उन्होंने कहा कि अमचूर की गांठें पड़ गई और वो घुल नहीं रही थी दीपिका, बड़ी मुश्किल से हुआ। तो उसके लिए ये हैक आप आजमाएं कि जैसे कि मुझे गर्म मसाला भी डालना था और अमचूर भी डालना था खटास के लिए, तो मैंने 1-1 चम्मच यहाँ पे वो सारी चीज़ें ली हैं और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका एक घोल बना लिया है। तो जितनी गांठें हैं वो आप यहाँ पे घोल लें और इसका जो है स्मूथ सा एक घोल बना के वो फिर आप कढ़ी के अंदर ऐड कर दें, तो ना तो गर्म मसाले की गांठें पड़ेंगी ना ही अमचूर की गांठें पड़ेंगी। तो इनकेस अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ था तो आप ये वाला हैक जो है वो आजमा के देखें और आपकी कढ़ी जो है वो बिल्कुल देसी स्टाइल की खट्टी हो जाएगी और कहीं कोई गांठ नहीं पड़ेगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इस तरह से घोल के ऐड करें। और बस अब कढ़ी को हम अच्छे से यहाँ पे उबलने देंगे। पकौड़े जो हैं वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, वो मैं शाम को ही ऐड करूँगी, अदरवाइज़ वो घुल ही जाएंगे फिर शाम तक अदरवाइज़।
तो कढ़ी भी हमारी हो गई है तैयार और यहाँ पे जो है वो फाइनल डिश बनने लग रही है, दैट इज दाल मखनी तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने क्रीम ऐड नहीं करी, तो बस साबुत उड़द और राजमा आप बोल सकते हैं। तो बटर के अंदर मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक की क्यूब। मैं इसके अंदर आज प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने टमाटो प्योरे और बना ली थी, लगभग 1.5 टमाटर होगा मेरे पास वो वाला जो होते हैं ना छोटे वाले टमाटर होते हैं, तो वही थे मेरे पास बहुत ही तुर्श से खट्टे वाले, तो मैंने 1.5 टमाटर ही यूज़ किया। और साथ ही यहाँ पे जो साबुत उड़द है ना ये ओवरनाइट सोक कर लिए थे, साबुत उड़द और राजमा, और इनको जो है वो सुबह को मैंने बॉयल किया था लेकिन हल्के से तड़के के साथ मैंने इनको बॉयल कर लिया था, जैसे कि ये जो रूटीन के मसाले होते हैं ना नॉर्मली हमारे हल्दी धनिया ये डाल के, तो इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है अंदर उबलते टाइम भी, तो मैंने उसके साथ उनको बॉयल करा था, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको रंग दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे मीनवाइल जो हमारा टमाटर है वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है और इसमें मैंने हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, सिर्फ टमाटर ही डाला था। और जब टमाटर हमारे अच्छे से भुन जाए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद उबले हुए जो हमारे साबुत उड़द और राजमा है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और पानी जो है वो हम एडजस्ट कर लेंगे कि कितना हमें इसको थिक थिन रखना है। और बस इसमें एक ही विसल में लाइक 1-2 मिनट का प्रेशर दूंगी क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर कुक्ड हैं ही, तो ऐसा नहीं कि कुछ ज़रूरत है इसको बहुत ज़्यादा पकाने की। वैसे आप रॉ के साथ भी बना सकते हैं बट मेरे पास सुबह टाइम था तो इसीलिए मैंने पहले से बॉयल करके इसको रख लिया था। और हाँ आप इसमें थोड़ा बहुत राजमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस अब हम इसको पकने देंगे 1-2 मिनट के लिए और यहाँ पे हमारी काइंड ऑफ दाल मखनी भी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं भी नहा धो के जो है वो आ गई हूँ एंड आई एम ऑल डन विद एवरीथिंग, तो मेजर कुकिंग यहाँ पे मेरी हो गई है, सिर्फ राइस बचे हैं और फुलके बचे हैं, वो मैं फ्रेश उसी टाइम पे बना दूंगी क्योंकि हमेशा मेरी आदत है कि फुलके मैं गरम गरम बना के ही खिलाती हूँ और राइस तो खैर अपने आप ही बन जाते हैं, उनके लिए तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बट जो वो भूनना पीसना ये सारा काम है वो सब कुछ हो चुका है यहाँ पे एंड कंटिन्यूअस आई एम डूइंग वॉइस ओवर, ओ माई गॉड। और फिर कॉमेंट आता है दीपिका बोलती बहुत हो, अब क्या करूँ बताने को बातें इतनी होती हैं। वेल तो यहाँ पे जो स्नैक बॉक्स है मेरा उसको मैं रिफिल करके रख रही हूँ, जैसे कि चाय देनी होती है तो चाय दे रहे हैं, ठंडा दे रहे हैं, कुछ भी, तो ऐसा नहीं के साथ आप नमकीन का पैकेट खोलोगे तभी आप बिस्किट का पैकेट खोलोगे। और मेरी हमेशा से आदत रही है कि जब भी गेस्ट आते हैं तो मैं फ्रेश ही चीज़ें खोल के उनके सामने सर्व करती हूँ, हालांकि हमारा नमकीन बिस्किट का एक और बॉक्स रहता है जो हम डेली यूज़ करते हैं, बट स्टिल जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए मैं नया खोल के और उनको सर्व करती हूँ। तो जो स्नैक बॉक्स है मेरा ये मैं इंडिया से लेकर आई थी तो इसको मैंने रिफिल कर लिया था, जब ये नहीं था तो मेरे पास बहुत ही प्यारे से डेकोरेटिव बोल्स थे तो उसमें मैं सर्व किया करती थी। तो पीनट्स मैंने डाली हैं, एक ये मोठ वाली नमकीन है और बिस्किट है, साथ ही क्रिस्प हैं, तो ये स्नैक बॉक्स है पूरा का पूरा, ये मैंने फिल कर दिया है और इसको कवर करके मैं रख दूंगी बिल्कुल मेरी रीच में कि मुझे इसके लिए जगल ना करना पड़े, अदरवाइज मैं इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ रखती हूँ, तो इट इज ऑल सेट हियर। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है, किचन मेरी नीट एंड क्लीन है बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा इसमें से एक चीज़ में से हमने दोपहर को लंच भी किया है, जो वो ग्रीन वाली सब्जी मटर कॉर्न वाली है ना वो वाली सब्जी हमने दोपहर को राइस के साथ खाई है, तो यहाँ पे आपको राइस का बर्तन एक और अलग दिखाई दे रहा होगा, तो वो राइस हमारे दोपहर के खाने के हैं। तो दोपहर का खाना हमारा डन है और सारी चीज़ें डन होंगी, साथ ही जो घर है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ईवी जो है वो भी रेडी हो गई है यहाँ पे और लाइट्स मैंने ऑन कर दी है, साथ ही पूरे घर में मैंने कैंडल्स कर दी है क्योंकि खाना इतना बनाने के बाद ना कई बार घर में स्मेल हो जाती है, हालांकि मैं किचन का दरवाजा इसीलिए बंद रखती हूँ ताकि पूरे घर में स्मेल ना जाए खाने की, बट स्टिल फिर भी मैं अगरबत्ती जला देती हूँ और कैंडल्स जला देती हूँ, तो उससे घर जो है वो थोड़ा कोजी कोजी सा और बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है।
और बस अब ये क्लिप है शाम की, जब गेस्ट आ गए हैं घर में तो सोनाली, सोनाली की मम्मी और ये सोनाली की बेटी शनाया, और शनाया और ईवी इनमें 3 महीने का डिफरेंस है। शनाया जो है वो ईवी से 3 महीने बड़ी है, और सोनाली का जो बेटा है ईशान वो और अद्वी दोनों सेम एज के हैं, 1 हफ्ते का डिफरेंस है। अद्वी जो है वो 1 हफ्ता बड़ी है ईशान से। तो अद्वी और ईशान ये लोग अपना खेल रहे हैं, भैया और विकास अपने काम में लग रहे हैं, लाइक यू नो ग्रुप्स बन जाते हैं जिसकी जिसके साथ पढ़ती है, वो लोग अपना बात कर रहे हैं और हम लोग अपना यहाँ पर थे। और ये दोनों इतने अच्छे से खेली ना, रियली लव्ड इट, यू नो टॉयज शेयर करना, आई नेवर थॉट इट के इतने प्यार से ये बैठ के दोनों खेलेंगे। और बहुत ज़्यादा खैर रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ जब भी गेस्ट आते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ बिजी रहती हूँ। तो बस ये टेबल की एक छोटी सी क्लिप है जो विकास ने रिकॉर्ड करी थी, और सारी चीज़ें यहाँ पे सर्व कर दी हैं, सैलेड कट कर दी थी और राइस आपको दिख ही रहे होंगे, और रोटियाँ जो हैं बस वो मैं बना बना के लाती रही। और अब ये वाली क्लिप है खाना खाने के बाद की, आराम से यहाँ पे बैठे थे और ईवी इतनी कंफर्टेबल हो गई थी थोड़ी देर बाद ही, अदरवाइज She was very cranky throughout week, but थोड़ा थोड़ा recover कर रही है। तो मुझे यही था कि पता नहीं देख के ना रोए वो सबको, but she was completely fine। और ये देखो किस तरह से Danny को वो push कर रही थी यहाँ पे और पूरे जोर लगा लगा के, and Danny was like it's good for her, उसके legs की exercise हो रही है, and I was like मत करी भी। तो वो बहुत मज़े से freely उनके साथ खेल रही थी, और नानी का जो प्यार है वो तो अल्टीमेट होता ही है। तो सबके साथ वो आराम से खेली, शनाया वो भी सबके साथ जो है आराम से खेली। तो वी रियली स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, और महीने 2 महीने में हम लोग मिल ही लेते हैं, या तो हम लोग चले जाते हैं सोनाली के यहाँ या वो इधर आ जाती है, बट इस बार काफ़ी लंबा टाइम हुआ। सिचुएशन कुछ इस तरह की रही, अद्वी जो है वो रेजिडेंशियल गई हुई थी, उस टाइम पे शनाया का बर्थडे था तो हम लोग शनाया के बर्थडे पे नहीं जा पाए थे। फिर जब ईवी का बर्थडे था तो सोनाली वॉज वर्किंग तो वो लोग नहीं आ पाए थे, तो काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं थे, बट फाइनली सारी कमी यहाँ पे पूरी हुई और हम सब लोग मिले, एंड वी इन्जॉयड अ लॉट। एंड आई होप आपने भी आज की ये वीडियो इन्जॉय करी होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।